हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और आज के इस वीडियो में मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी तरीके से समझनी है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, अगर पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि इसका स्क्वायर बताओ जल्दी से, तो कैसे बताएंगे? जी हाँ, इसी ट्रिक को लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, कितने जल्दी लिखती हूँ खुद देखिए। लीजिए आ गया आपका आंसर। तो ये कैसे मैंने फाइंड किया, चलिए इसको देखते हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप भी इतने ही जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्क्वायर्स हम फाइंड करेंगे उनमें डिजिट्स कितने भी रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे जो डिजिट्स हैं उनमें 9 ही होना चाहिए, तभी हम उनका स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे इस ट्रिक से। तो चलिए ये ट्रिक क्या है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने किया है यहाँ पर, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 9999। अब इसमें डिजिट्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग के डिजिट्स जितने भी रहे उन सबको एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंज करते हैं जो लास्ट का डिजिट होता है उसमें। लेकिन उसमें भी आपको एक ही चेंज करना है सभी जगह, उसमें से आपको करना है -1। तो चलिए इतना कर देते हैं। आगे के जितने भी डिजिट्स रहे उनको एज इट इज लिख दो और जो आखिरी का डिजिट रहेगा उसमें से -1 कर दो। तो चलिए हमने स्टार्टिंग के जितने भी डिजिट्स थे उनको एज इट इज लिख दिया और जो लास्ट का डिजिट रहेगा उसमें से हमने -1 कर दिया। 9-1 क्या हो जाएगा, 8। देन अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी डिजिट हैं, अब यहाँ पर देखिए हमने कितने 9 लिखे हुए हैं, 3, तो 3 0, और 8 कितना है, 1, तो उसकी प्लेस पर लिख देंगे 1। तो यहाँ पर देखें कितने 9 है, 3, तो 1 2 3, और 8 है यहाँ पर 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। सिंपल हो गया, आ गया आपका आंसर। तो देखिए मैंने भी तो यही लिखा था, 9998001। अब ये कैसे लिखा, यहाँ पर देखें तो 3 9 है, क्योंकि टोटल कितने 9 है, 4, जिसमें से मुझे लास्ट वाले का 1 हटाना था, कम करना था, तो 999 इसकी प्लेस पर 8, क्योंकि इसमें से 1 माइनस कर दिया, और क्योंकि 3 9 है तो 3 0 और 1, दैट्स इट, हो गया। तो बस यही आपको करना है। तो चलिए इसी तरीके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 99 को समझते हैं। अब ये है 99, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो स्टार्टिंग का डिजिट जितने भी रहें उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम एज इट इज लिखेंगे, और जो लास्ट का डिजिट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1। सो यहां पर हमने क्या किया, स्टार्टिंग का डिजिट एज इट इज लिखा, यहाँ पर देखें 3 डिजिट्स एज इट इज लिख दिए थे और आखिरी का डिजिट में से सब्ट्रैक्ट किया था 1। यहाँ पर भी 2 ही डिजिट है, बट फिर भी जो भी आखिरी का डिजिट रहेगा उसमें से हम -1 कर देंगे, तो आखिरी में जो 9 है उसमें से -1 कर दिया, तो ये 9 एज इट इज इसमें से -1 कर दिया, तो आ गया 8। देन अब यहाँ पे 1 9 है तो 1 0 और 1 8 है तो 1, बट ये जो 1 रहेगा ये हमेशा हमको लास्ट में ही लिखना है, तो 99 का हो गया। देन आगे चलते हैं। तो लीजिए एग्जाम्पल्स तो हमने लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये वहीं अप्लाई होगी जहाँ पर हमको स्क्वायर करना हो, लेकिन सारे के सारे डिजिट रहेंगे 9। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें 3 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट एक्स्ट्रा एज इट इज़ रहेंगे, इसमें से हम कर देंगे -1, तो हो जाएगा 8, देन 2 0 और 1। लीजिए हो गया आपका। देन यहाँ पर देखें, और अगर अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप सबसे पहले इन दोनों को अच्छे से समझें, जैसा कि मैंने अभी समझाया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, समझें देन इनको करें। तो यहाँ पर देखें इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें स्टार्टिंग के 4 डिजिट एज इट इज 1 2 3 4, इसमें से करेंगे -1, तो ये हो गया 8, देन 4 9 है इसलिए 4 0, और ये 8 1 है इसलिए 1। लीजिए हो गया। देन यहाँ पर देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं इसलिए 1 2 3 4 5, सिक्स्थ प्लेस पर है 9, सो इसमें से कर देंगे हम -1, तो हो जाएगा 8, देन 1 2 3 4 5, देन सिक्स्थ प्लेस पर 1। देन यहाँ पर देखें ये इसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 2 3 4 5 6, सेवन्थ प्लेस पर 8, देन 1 2 3 4 5 6, सेवन्थ प्लेस पर 1। लीजिए तो इस तरह का कोई भी डिजिट कितना भी बड़ा रहे उसका स्क्वायर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।